डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सोमवार को जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। डिप्टी सीएम के अस्पताल पहुंचते ही हड़कंप मच गया। इस दौरान उन्हें अस्पताल में गंदगी देखने को मिली तो अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर नदारद दिखे। इस पर उन्होंने सीएमएस को जमकर फटकारा। डिप्टी सीएम ने मरीजों का मोबाइल नंबर लेकर बाद में फीडबैक लेने की बात कही। जिला अस्पताल पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सबसे पहले ही सीएमएस डॉक्टर ब्रजेश कुमार के कक्ष का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ओपीडी का निरीक्षण करना शुरू किया तो दीवार में मकड़ी के जाल मिले, कोविड हेल्प डेस्क बंद मिली और उसके अंदर टूटी फूटी कुर्सियां देखकर डिप्टी सीएम भड़क गए। सीएमएस को यहां फटकार लगाते हुए वह अल्ट्रासाउंड कक्ष की ओर पहुंचे मगर बताया कि अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा। इस पर सीएमएस ने बताया कि कोर्ट में गवाही देने गए हैं। सीएमएस के बयान के संदर्भ में डिप्टी सीएम ने तुरंत भाजपा जिलाध्यक्ष से बार एसोसिएशन के महामंत्री से कोर्ट के बारे में जानकारी ली तो पता चला कि कोर्ट में बायकॉट है। पोल खुलते देख सीएमएस बगले झांकने लगे। ट्रॉमा सेंटर का निरीक्षण करने पहुंचे डिप्टी सीएम ने कहा कि मरीजों को भगवान माने, यदि उन्हें यहां कोई परेशानी होती है तो इसका उत्तरदायित्व डॉक्टरों और संबंधित स्टाफ पर है। करीब आधे घंटे के निरीक्षण के दौरान डिप्टी सीएम को हृदय रोग की ओपीडी बंद मिली। पूछने पर सीएमएस ने बताया कि दिसंबर में ही डॉक्टर के रिटायर होने के बाद दूसरी तैनाती नहीं हो सकी है। कौन सिस्टर इंचार्ज है यहाँ पर? उन्होंने इलेक्शन का तो उन्होंने डाला होगा। किसने डाला जाता है? बहुत दुखी करने वाले सब आज हम नहीं बोल रहे हो। अब भविष्य में हम आएंगे ये सप्ताह के लिए, फिर से बात आए क्या?